नमस्कार दोस्तों, आप सबका पालमेश्वरी ज्ञान चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम सूर्य रेखा के पार्ट टू पे एक बार फिर पुनः विचार करते हैं। कुछ पर्वतों के ऊपर इनकी क्या विशेषताएं व्यक्त होती हैं, जो आपके अपने लाइफ में ग्रोथ की बात होती है, मान सम्मान की बात होती है, प्रतिष्ठा की बात होती है, प्रतिभा की बात होती है। कहते ना, बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं, बंद दरवाजे में एक रोशनी की किरण कैसे प्रवेश करती है, वो हमारी सूर्य रेखा बताती है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक नई और रोचक जानकारी मिलने वाली है। और इसके पहले, अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। आइए अपने हाथों पर तीन मुख्य रेखाओं को देखते हैं। सबसे पहले हमारी ये जीवन रेखा। कहते हैं ना, जीवन की शुरुआत और जीवन का अंत हमारी जीवन रेखा के ऊपर अंकित होता है। इसी प्रकार से हमारी मस्तिष्क रेखा, हम किसी तरह का विचार करते हैं, किसी तरह की हमारी बुद्धि होती है, उसके बारे में बताती है। और इसी प्रकार से हमारी दिल की रेखा हमारे प्रेम संबंधों के बारे में बताती है, हम किसी के साथ कितना अटैचमेंट है उसके बारे में बताती है। जैसे हमने बात की थी सूर्य रेखा की, सूर्य रेखा का मतलब विकास, प्रयास, प्रकाश, सफलता। सफलता एक कुंजी मानी जाती है, एक रोशनी, दिखता हुआ सूरज। अगर आपके जीवन में एक प्रकाश आता है, उस प्रकाश के उजाले में आप अपने कार्यों को करते हैं, ऐसे लोग समृद्धि की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं ना, आपको एक सूरज की दिशा दिख रही है, एक रोशनी दिख रही है, ऐसे लोग, सूरज का यह पर्वत मजबूत हो और ये सूरज की फिंगर बड़ी हो, आपको सफलताएं मिलना संभव है। और ये सूरज की फिंगर गुरु के फिंगर से बड़ी हो, आपके आत्मविश्वास को बढ़ा देती है, आपकी ताकत को बढ़ा देती है। ऐसे लोग कभी हार मानने वाले नहीं होते हैं, जीवन में हमेशा ऊंचाइयों की बात करते हैं। और कहते हैं सूर्य की ही रेखा हमारे हाथों में, ये हाथ जो हमारा है, ये जो हमारी बंद मुट्ठी है, हमारी जो सफलता की रेखा है, हम इसको कुंजी कहते हैं। कहां से वो उद्गम हो इसका और कहां पे अंत हो, आए वो सूर्य के पर्वत पे, उसको हम सूर्य रेखा का ही नाम देते हैं। जैसे कि अगर ये सूर्य की रेखा शुक्र के पर्वत से, ये शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत, कहते हैं ना, शुक्र का पर्वत हमारे लग्जरियस लाइफ को दिखाता है, हमारे मैरिज लाइफ को बताता है, हमारे सुखों को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में सुखों का आनंद लेते हैं, ऐसे लोगों का जो विकास होता है, जो प्रयास होता है, जो सफलता होता है, कहीं ना कहीं वो स्त्री पक्ष से या फैमिली की सपोर्ट से एक रेखा सूर्य के पर्वत तक जाए। और ऐसे लोगों का जो विकास होगा, नेम फेम होगा, शुक्र के व्यवसाय से जुड़े हुए या शुक्र की कला से जुड़े हुए, कहते ना, यहां पे ऐसे लोग संगीत का शौक रखने वाले एक्टर्स होते हैं, गायक होते हैं, मतलब शुक्र की कलाओं से जुड़े हुए कार्य करते हैं,
कला के कौशल में, ऐसे लोगों का मान सम्मान प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होता है यहां पर। और इसी के साथ ये मणिबंध का क्षेत्र है, ये मणिबंध का क्षेत्र है, इसको हम मणिबंध का क्षेत्र बोलते हैं। मणिबंध का पर्वत, जिसको हम केतु का पर्वत कहते हैं, अगर यहां से एक भाग रेखा सूर्य के पर्वत पर पहुंचे, वैसे समानता आप देखेंगे तो यह सबके हाथों में नहीं पाई जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी सफलता, अगर हम भाग रेखा की बात करते हैं तो मिलती है, लेकिन सूर्य की रेखा इतनी बड़ी आपको सफलता किसी किसी बिरले लोगों के हाथों में आपको देखने के मिलेंगे। कहते हैं ऐसे लोग बहुत ज्यादा धन कमाएंगे, कीर्ति मान प्रसिद्धि सब कुछ ऐसे लोगों को मिलता है, छोटे मोटे बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। जिसका बहुत ज्यादा नेम फेम होगा, इतनी बड़ी विकास की रेखा, इतनी बड़ी सूर्य की रेखा, धन संपत्ति की बात होगी, अधिक मान सम्मान की बात होगी, अधिक प्रतिष्ठा की बात होगी, ऐसे लोगों का जीवन जो होता है, बड़े लोगों में इनका नाम शुमार होता है। अगर आपके पास इतनी बड़ी रेखा है तो सूर्य की प्रबल रेखा, इसकी एक ही क्षमता होती है, सूर्य की रेखा जहां से चलती है, कहते ना वहां से आगे की तरफ मूव जब करती है, जहां से चलती है वहां से मोटी होती है, और जहां पे पहुंचती है वहां पे पतली होती है, ये इसकी एक निशानी मानी जाती है। और ये रेखा अगर बीच में मोटी हो जाए तो आपके कुछ पावर को घटा देती है, आपके मान सम्मान में थोड़ा सा विस्तार कर देती है, जिसको कहते हैं हम रुकावट ला देती है। और इसी प्रकार से एक सूर्य की रेखा, ये गुरु का पर्वत है, इसको हम गुरु का पर्वत बोलते हैं, गुरु का पर्वत, यहां से एक सूर्य की रेखा गुरु के साथ सूर्य का कॉम्बिनेशन बने और सूर्य के पर्वत तक पहुंचे, और ये गुरु की फिंगर बड़ी हो। कहते ना गुरु ज्ञान का भंडार माना जाता है, और ऐसे लोग जो होते हैं जीवन में आध्यात्मिक का काम करते हैं। बड़े बड़े संत महात्माओं के हाथों में आपने देखा होगा आध्यात्मिक के क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की होगी। ऐसे लोग हम कह सकते हैं कि धर्म गुरु का काम करते हैं, बड़े बड़े पीठाधीश होते हैं, वक्ता होते हैं, ज्ञान का एक भंडार रखने वाले, धार्मिक संस्थानों से जुड़े हुए कार्य करते हैं, और उनका नाम ऐसे चमकता है जैसे कि एक प्रतिभा, एक प्रतिष्ठा, एक मान सम्मान उनके चेहरे पर दिखता है, और वो नाम के ख्याति को प्राप्त करते हैं। और इसी प्रकार से एक सूर्य की रेखा हमारे ये राहु का क्षेत्र से है, इसको हम राहु का क्षेत्र बोलते हैं, राहु का पर्वत। कहते हैं ना राहु देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और राहु लेता है तो चमड़ी उधेड़ कर लेता है। ऐसे लोगों को जीवन में अचानक से ऊर्जा मिलती है, अचानक से ग्रोथ करते हैं। ऐसे लोग अगर राहु की बात करते हैं, क्योंकि राहु का जो क्षेत्र होता है हर चीज को अचानक से ग्रोथ करने का काम करता है। ऐसे लोग अगर लकड़ी का व्यवसाय, कोयले का व्यवसाय, इन क्षेत्रों से जुड़े कार्य करते हैं,
तो अचानक से इनको ग्रोथ की तरफ, ऊंचाइयों की तरफ कई बार लॉटरी लगते हुए देखा है मैंने। और यहां पे अगर इसका कॉम्बिनेशन किसी वर्गाकार या त्रिकोण के साथ हो जाए, कि त्रिकोण के साथ हो जाए, त्रिकोण के साथ इसका कॉम्बिनेशन बन जाए, ऐसे लोगों को अचानक से धन की प्राप्ति देखा होते हुए मैंने पाया है। और जीवन में यश, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी वीडियो। फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, और आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।